नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मोदनीपुर जिला पश्चिम बंगाल के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भगवती देवी और पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव में रह कर की। 1829 में वो कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में पढ़ने आए। पारिवारिक आर्थिक हालत अच्छी ना होने की वजह से विद्यासागर को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ना पड़ा, किंतु अपने उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन से उन्होंने कई छात्रवृत्तियां हासिल की। संस्कृत भाषा और दर्शन में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विशेष योग्यता हासिल थी, जिसके चलते विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि दी। यहाँ करीब 12 साल पढ़ाई करने के बाद वो संस्कृत के प्रोफेसर बने और बाद में इसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी। विधवा पुनर्विवाह कानून हो या लड़कियों की शिक्षा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे महान कार्यों के प्रति देश समाज में जागरूकता लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधवा पुनर्विवाह के लिए किए उनके प्रयासों से साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। विद्यासागर ने न सिर्फ विधवा विवाह के लिए कानून पारित कराया, बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। समाज में जात पात, बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए भी वो प्रतिबद्ध थे। ईश्वर चंद्र ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने इस स्कूलों को चलाने के लिए आने वाले पूरे खर्च को खुद उठाया। स्कूली खर्च के लिए वो विशेष रूप से बच्चों के लिए बांग्ला भाषा में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे। 1855 ईस्वी में जब उन्हें स्कूलों का निरीक्षक इंस्पेक्टर बनाया गया, तो उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल सहित कई नए स्कूलों की स्थापना की। अंग्रेजी सरकार के उच्च अधिकारियों को उनका ये कार्य पसंद नहीं आया और आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो बैथुन के साथ भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1849 ईस्वी में कोलकाता में स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल की स्थापना की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।